नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। शाम के 7 बज गए हैं और अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहर में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपे। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नवनियुक्त हुए डॉक्टरों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम और प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कह रहा है, मगर शहरवासी हैं कि उनकी कोई परवाह नहीं है। लगातार कार्रवाई के बाद भी शहर पॉलीथिन मुक्त नहीं बन पा रहा है, लेकिन आज जब मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला निगम की पूरी टीम के साथ मंडी पहुंचे तो उन्हें देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दुकानदारों को लगा कि शायद वो पूरी टीम के साथ छापेमारी में निकले हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने कपड़े के थैले बांटना शुरू किया तो कई लोगों ने चैन की सांस ली। पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों का खट्टा मीठा रसीला फल काफल हल्द्वानी बाजार में उतर आया है, साथ ही अब ये फल दुकान में भी बिकने लगा है। अभी काफल की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो है। आपको बता दें कि काफल में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने के कारण इसे खाने से पेट संबंधित रोगों से भी निजात मिलती है और यही फल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बनता है। हल्द्वानी में मुखानी पुलिस ने देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक रविवार रात कटघरिया के पास गश्त के समय कुसुमखेड़ा निवासी निखिल शराब तस्करी करता हुआ पकड़ा गया। तलाशी में आरोपी के पास से 2 पेटी शराब बरामद की गई। फिलहाल आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। नशा मुक्त जिला अभियान के तहत शहर की कोतवाली पुलिस ने इंदिरा नगर प्रथम बिंदु खत्ता में छापेमारी अभियान चलाया, जहां सड़क के किनारे स्थित किराने की दुकान चला रही महिला कलावती देवी बिंदु खत्ता पुलिस को चरस बेचती मिली, जिसे पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। और अब इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। तो फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।